योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। एक सारे देश के सामने, एक मिनट प्लीज, सारे देश के सामने एक पत्रकार आपको 10 बार पूछ रहा है कि आप सबूत दिखाइए कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, और आप उसको धमकी दे रहे हैं। धमकी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या देश देश की बात मत कीजिए, आप धब्बा है, आदेश धब देश के नाम पर आप लोग धब्बा है। हिंदू मुसलमान और कुछ दिखता नहीं आपको। हमारे भारतीय मीडिया में कुछ एंकर ऐसे हैं जो वक्त के साथ काफी बदल चुके हैं। जो सत्ता से कभी सवाल किया करते थे, वे अब उनके आगे झुके हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ एंकर हैं जिनकी रिपोर्टिंग करने के तरीके में काफी बदलाव आया है। आज हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। जी हाँ, अर्नब पहले टाइम्स नाउ में काम करते थे। उन दिनों अर्नब अपनी डिबेट में सरकार से काफी सवाल पूछते थे, लेकिन अब तो आप जानते ही हैं कि अर्नब का सरकार की तरफ कितना झुकाव है। इस झुकाव का जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं अर्नब की कुछ उन डिबेट्स की जब वे सत्ता में बैठी पार्टी से सीधा सवाल कर रहे हैं। टाइम्स नाउ पर ताजमहल के मुद्दे पर एक डिबेट में अर्नब योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर भड़क उठे और उन्हें काफी कुछ सुना दिया। ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, मुझे एक दुख से एक बात कहना पड़ रहा है जो मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ के बारे में, जरा सुन ले। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। वन मिनट, योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं है, और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको कोई ये बात तो पूछे कि जो बड़े हिस्टोरियन है रामनाथ, उन्होंने खुद कहा था कि राजपूत जो है दे आर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, दे आर नॉट वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, दे आर वैष्णवाइट्स नॉट शैवाइट्स, सो आई डोंट नो हाउ इट बिकेम अ शिव मंदिर। Somebody should tell Yogi Adityanath to get, you know, his mental balance checked. क्या कह रहे हैं आजकल? और संबित पात्रा will allow any rubbish to be said and say I am the future of India. I'm sorry. Please. The Taj Mahal is a national monument. Heritage. The Taj. The moment you start saying no, it's a Hindu temple. The moment you say it's a Hindu temple. Why do you? Taj Mahal is not a national. Nobody said it is a Hindu temple. Taj Mahal is a national. Yogi Adityanath is someone. No one is revisiting the. Lakshmikant Bajpai. Who is Lakshmikant Bajpai? When you pricked. Who is Lakshmikant Bajpai? The BJP admits that its state unit chief Lakshmikant Bajpai and Yogi Adityanath are doing divisive politics. I congratulate Sambit Patra for the honesty of that comment. When did I say that they are doing divisive politics? You just said it. Times Now पर आसाराम के मुद्दे पर डिबेट में अर्नब ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर उनसे कुछ सवाल किए। कैलाश विजयवर्गीय जवाब देने में गोलमोल करने लगे। ऐसे में अर्नब ने कैलाश जी पर सवालों की बौछार कर दी। सच्चाई कड़वी होती है, आप बोलिए ना, सुन लीजिए सच्चाई का जवाब दे सकता हूं। संजय को आपने दिल्ली के गैंगरेप के बाद कहा, एक मिनट प्लीज, आप विषय पलटिए मत। मैं बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सारे ट्रैक रिकॉर्ड को एक्सपोज कर दूंगा मैं टीवी पर। बताइए ना मैंने कब बोला। आपने कहा एक ही शब्द, एक मिनट सुनिए, मैंने कब बोला कि उस लड़की ने झूठ बोला। आप बात सुनिए, आप पहले ये नहीं बोला, आप पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है या वापस लीजिए अपने शब्द। प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है कि वापस लीजिए अपने शब्द। आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, आप प्रूफ कीजिए, आप आज टीवी पे प्रूफ कीजिए, आप आज टीवी पे प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए कि उस लड़की ने, आप प्रूफ कीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए आप गुस्सा दिखा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। अब सुनिए, आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, सुनिए, ठीक है, सुनना अच्छी बात, बताइए, सुनना बहुत अच्छी बात है। सुन, ये कह रहा हूं मैं आपको कि आप मुझे कोई सबूत दिखाइए अभी इसी वक्त, ठीक है, आवाज उठाइए मत, धीमी गति से, आराम से, शांत होकर मुझे अभी इस वक्त आप सबूत दिखाइए कि ये लड़की जो है उसका बलात्कार नहीं हुआ और ये राजनीतिक साजिश है, इस वक्त दिखाइए, चलिए दिखाइए। मैं अब एक सारे देश के सामने, एक मिनट प्लीज, सारे देश के सामने एक पत्रकार आपको 10 बार पूछ रहा है कि आप सबूत दिखाइए कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, और आप उसको धमकी दे रहे हैं। धमकी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप प्रूफ दिखाइए, सबूत दिखाइए। टाइम्स नाउ पर बजरंग दल को लेकर एक डिबेट में अर्नब ने विनोद पांसल से कुछ सवाल किए। जब वह जवाब देने की बजाय अर्नब को गलत बताने लगे, तभी अर्नब ने गुस्से भरे लहजे में उन पर पलटवार करते सवालों के जवाब मांगे। The first point I'd like to say is, Mr. Bansal,
If any of those fellows who you are training to kill Muslims with guns, if they wanted to serve the country, they should be at the borders of the country. Right? They should not be at some ridiculous Bajrang Dal joke of a camp. Exactly. Point number two. Himmat nahi hai inme. Kayar hain. Desh ke liye kuch karna nahi chahte. पीछे बैठ के गेरुआ कपड़ा पहनेंगे बोलेंगे आप हिंदुओं को आप बोलिए नहीं बोलिए नहीं आप बोलिए मत गेरुआ पहनने से कोई हिंदू नहीं बन जाता प्लीज मिस्टर बंसल आप जाके आपने कितना दिन सेवा किया है देश का वन मिनट क्या देश की बात मत कीजिए आप धब्बा है देश के नाम पर आप लोग धब्बा है हिंदू मुसलमान और कुछ दिखता नहीं आपको और कुछ दिखता नहीं आपको आपको सवाल मैं पूछता हूँ आप कहते हैं हमारी इच्छा है आप कहते हैं सुनिए मेरी बात सुनिए धमकाइए मत मुझे विनोद बंसल बोलने दीजिए आज बहुत हो चुका सुनिए मेरी बात बहुत हो चुका मैं कह रहा हूँ आपको कुछ मैं सवाल पूछ रहा हूँ मेरी बात सुनिए या आप डिसाइड करेंगे कौन एंटी नेशनल है उसको खत्म करेंगे तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मिस्टर बंसल देश तय करेगा आप सुनिए ना देश क्या देश का ठेका आपने रख के नहीं रखा हुआ है ये बजरंग दल देश का ठेका नहीं लिया हुआ है एक मिनट किप्टी ऑलिमेट सुनिए मेरी बात लेकिन बजरंग अरे भाई दो तीन गुंडों को पाल के रखा हुआ है आप लोगों ने उसका मतलब आपने देश का ठेका लेके रखा है अरे 50 गुंडे ले आएंगे कोई और फिर बोलेंगे कि देश का ठेका हमने भी लेके रखा है बात सुनिए देखिए बहुत गुंडे मिलते हैं आजकल रास्तों में देखिए अर्णब जी मैं इस भाषा का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ नहीं भाषा का प्रयोग मैं कार्य की बात कर रहा हूँ ठीक नहीं है मैं सीधी बात कर रहा हूँ सीधी बात आपको अच्छी नहीं लगती कड़वी लगती है listen to me. ये तो थे कुछ डिबेट जब अर्णब सत्ता में बैठी पार्टी पर सवालों की बौछार करते नजर आए पर जब से अर्णब रिपब्लिक भारत में आए हैं उनका ये लहजा अब सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के खिलाफ हो गया है वे विपक्ष से ऐसे ही सवाल करते हैं अरे सोनिया गांधी आइए वाड्रा परिवार के महानुभावो जरा आइए और मेरा गिरफ्तार कीजिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गिरफ्तारी के पहले और खुलेआम कह देता हूं गिरफ्तारी के बाद चीख कर चिल्लाऊंगा और पूछूंगा कि संतों को क्यों मारा और मैं अकेला नहीं पूछूंगा चेतन हंसी मजाक की बात नहीं है मेरे साथ पूरा भारत पूछेगा हंसी मजाक करिए गिरफ्तार मुझे मगर जब साधुओं की हत्या हुई तो ये सोनिया गांधी चुप क्यों थी शहीदों को जो शहादत का दर्जा नहीं दिया जाता आपकी सरकार से और आप चैनल पे बैठ के भाषण दे रहे हैं आप भाषण मत दीजिए आप भाषण ना दें एक मिनट साहब जवाब सुन लीजिए मैं भाषण नहीं दे रहा सच्चाई बता रहा हूँ तो जवाब सुन लीजिए जवाब सुन अरे भाई एक मिनट 50 साल के युवा नेता राहुल गांधी का बुद्धि विकास रुक गया है आपके नेता के बुद्धि विकास रुक गया है वो आज भी कश्मीर को नेहरू का विरासत मानते हैं अरे भाई ये नेहरू की भारत नहीं है ये नया भारत है जो कहता है कि जो कश्मीर हमारा है हमारा था हमारा रहेगा अरे पूरे एक मिनट रुकिए आप राजीव रूडी से सुनिए जवाब सुनना पड़ेगा पूरी दुनिया में कश्मीर को भारत का अलग कहने वाले दो लोग हैं पूरे भारत में सुनिए राजीव साहब जी सुनिए कान पक्के क्या आपके दो ही लोग हैं एक है वाड्रा कांग्रेस और दूसरा है पाकिस्तान ये पाकिस्तानी सोच भारत में रहते हुए क्यों कह रहा है अर्णब अक्सर मोदी की तारीफ करने में भी पीछे नहीं हटते वे मोदी जी के काफी गुणगान गाते हैं आपने एक वो वीडियो तो सुना ही होगा मोदी वर्सेस हु फॉर देम द 2019 बैटल मार्क माय वर्ड्स This battle is not against the BJP. It's not a battle on issues. It's not a battle on ideology. It's all about one man, Prime Minister Narendra Modi. Mr. Abhyankar, the 2019 election will be Modi versus who? Modi versus who? It will be lies versus people. No, Modi versus who? Modi versus who? But Modi versus who? If not Modi, but Modi versus who? दोस्तों भारत में कोरोना अब आपातकाल जैसा बन गया है सरकार इस हालत से निकलने के लिए युद्ध जैसी तैयारी कर रही है और इसको लीड कर रहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा राष्ट्र मोदी सरकार की कोशिशों के साथ खड़ा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश में कोरोना के खिलाफ जन क्रांति हो रही है प्रधानमंत्री जी आपके निरंतर प्रयासों से उनकी वजह से चाहे वो योग हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट चेंज हो टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो हो
दुनिया भारत की तरफ आज देखती है और भारत के लोग उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं. यू हैव टेकन द इमेज ऑफ भारत टू एन अनपैरेलल्ड लेवल अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरी इंडियन नोज एंड एक्नॉलेजेस दैट टुडे. वी आर इंपेशेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड टू टेक द कंट्री टू न्यूअर हाइट्स इन द 21st सेंचुरी. अर्नब जैसे विपक्षी पार्टियों से सवाल करते हैं, वह सरकार से वैसे सवाल क्यों नहीं करते? अर्नब की पत्रकारिता में इतना बदलाव कैसे आ गया है, इसका अंदाजा तो शायद आपको भी होगा. हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में अर्नब अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए सत्ता में बैठी पार्टी से भी सवाल करना शुरू करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी. इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन.